नीतीश कुमार जी तो एकदम जहां है वहां पर खड़े हैं, कोई लोग आते हैं कोई लोग चले जाते हैं। अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो कि वो क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं, उनसे पूछिए। नीतीश कुमार ने के अंदर जो खूबी है, खासियत है, और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। हर पार्टी के नेता इधर उधर संपर्क में रहता है, लेकिन आपको देखना ये है कि कैसे नेता है जो इधर उधर के संपर्क में है। हम लोग भी संपर्क में रहते हैं। नीतीश कुमार जी तो एकदम जहां है वहां पर खड़े हैं, कोई लोग आते हैं कोई लोग चले जाते हैं। अब जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछो कि वो क्यों उनसे मिलते हैं, क्यों आते जाते रहते हैं, उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार ने के अंदर जो खूबी है, खासियत है, और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया है, जिनको पसंद है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, और जिनको पसंद नहीं है, जिनको कुर्सी प्यारी है, वो अपना इधर उधर की बात करते हैं। राहुल गांधी जो है विदेश दौरे पर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। नहीं, लोकतंत्र तो तभी आ सकता है जब राहुल गांधी जी कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरे लोग बैठते हैं तो खतरा तो पैदा ही होता है, लेकिन जब देश की जनता उनको पसंद नहीं करती है तो पहले तो देश की जनता का ठीक से खिदमत करें, देश की जनता को अपनाने की कोशिश करें, और इधर उधर की बात बगैर कहे हुए जो जनता के दुख और सुख में शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है भविष्य में उनके बारे में भी जनता कभी सोच सकती है। देखिए, न्यायालय के निर्णय का सबका सम्मान करना चाहिए, और अगर अभी तक न्यायालय का निर्णय का सम्मान नहीं हो रहा है तो जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको निश्चित रूप से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करके राज्य और देश के हित में काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने एक और बड़ा सर सवाल किया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण जो है हम खत्म कर देंगे। ये बात कहाँ से आप बोल रहे हैं? वो तो आरक्षण की बात करने वाले लोगों में से है, वो तो जाति आधारित गणना कराने वाले लोगों में से है। तो जो लोग दो तरह की बात बोलते हैं उनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अगर सचमुच आपके द्वारा जो बात बताई जा रही है और इस तरह की बात बोल रहे हैं तो देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। फिर से बोलिए। ए भाई, हर पार्टी के नेता इधर उधर संपर्क में रहता है, लेकिन आपको देखना ये है कि कैसे नेता है जो इधर उधर के संपर्क में है। हम लोग भी संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब से हम लोग राजनीति जीवन में आए हैं तब से वही हैं जहां रहना चाहिए, जहां जनता का जनादेश है, जनता का जो हुक्म है वही रहना चाहिए। इधर उधर की बात नेताओं को नहीं सोचना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।